हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपके साथ वहाँ शेयर करने जा रही हूँ किचन की क्लीनिंग। तो आज मेरा ना मन था कि आज मैं अच्छे से साफ़ सफाई करती हूँ किचन की, क्योंकि रोज़ रोज़ तो ये काम नहीं हो पाते कि हमारा मन कर रहा है कि आज कर लो। मन तो कभी कभी बनता है कि आज अच्छी सी क्लीनिंग तो डेली करते हैं हम, कि किचन कि गैस साफ़ करनी है, काउंटर साफ़ करना है, स्लैब वगैरह, ये चीज़ें डेली करती है। मगर अच्छे से डीप क्लीनिंग जो होती है ना, वो करते हैं हम कभी कभी। तो चलिए, आज मैं यही आपके साथ शेयर कर रही थी। तो पहले सोचा चलिए खाना सब्जी बनानी है, खाना वाना बनाते हैं, खाने के बाद ये काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे आज बना रही थी पत्ता गोभी की सब्ज़ी, पत्ता गोभी, गाजर, आलू, और इसमें आज मैं डालना भूल गई थी मटर। तो बस वही रेसिपी है जो मैं आपके साथ, मतलब एक नॉर्मली जो खाना बनाते हैं ना, वही रेसिपी है। हल्दी, मिर्च, नमक, बेसिक मसाले जितने होते हैं, गरम मसाला, और इसमें आज मैंने किचन किंग मसाला भी डाला था। तो बस वही रेसिपी है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। फिर देखिए, बच्चों को पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, शाम का इवनिंग का टाइम था, और मैं इवनिंग में ही बच्चों को लेके बैठती हूँ। सुबह तो बच्चों का स्कूल रहता है, तो अब बच्चों के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ अपनी बेटी का वर्क बनाने बैठी थी कि वर्क बना देती हूँ इसका, और ये अपना काम करती रहेगी। उधर बेटे के भी एग्ज़ाम आ रहे हैं 1 मार्च से, तो भाई उसकी भी ज़रूरी है पढ़ाई, तो मैंने उसका भी सारे उसको शॉर्ट क्वेश्चन लर्न करने के लिए दिए थे, और मैं उसको मिक्सअप क्वेश्चन बना रही थी। तो वो भी अपना वर्क पड़ेगा। हम हाउसवाइफ के पास इतने काम होते हैं, अगर हम चाहें ना कि फ्री बैठे तो हम फ्री नहीं बैठ सकते। देखिए, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि आज हमें ये काम निपटाना है, आज ये काम निपटाना है। तो बस आज मेरा भी मन यही था कि आज मुझे किचन का अच्छी सी साफ सफाई करनी है, क्योंकि गैस के आगे जितनी मेरी विंडो है ना, उसमें थोड़ी सी चिकनाई जम जाती है। वैसे रेगुलर बेसिस पे इसकी साफ सफाई होती रहती है, मगर एक जो चिकनाहटपन रहता है ना, वो इस पर लगी ही जाता है। तो कुछ होती हैं चीज़ें कि हम डेली बेस पे उतनी अच्छी सी क्लीनिंग नहीं कर पाते। तो मैं यहाँ चावल की, बाजरे की और मक्का मिक्सअप आटा है सब, उसकी रोटी तो सब हम चीज़ें एक साथ ही पिसवा लेते हैं, उसकी ही रोटी बना रही थी, और हमारी सब्जी भी तैयार हो गई है। तो दोनों काम साथ साथ हो जाते हैं, तो यहाँ भी टाइम की बचत हो जाती है मेरी। बस इसके बाद खाना बनाने के बाद मैंने फिर यहाँ करी थी सफाई शुरू। देखिए, लग तो रहा है कि गैस मेरी बिल्कुल साफ़ है, मगर नहीं। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ना, मतलब काला कालापन इतना जम रखा था कि मुझे चाकू से रगड़ना पड़ा, ये जूने से भी साफ़ नहीं हो रहा था। तो यही था कि जो हमारी गैसें कम जलती हैं ना, तो वो इसी वजह से कम जलती हैं। कभी कभी गैस पे चाय गिर गई उफन के, या दूध गिर जाता है, तो कुछ चीज़ें ऐसे गिर जाती हैं। हम वैसे तो नॉर्मली कपड़े से साफ़ कर ही देते हैं उसको, अच्छे से कर देते हैं, मगर उसके कुछ, मतलब वो लिक्विड होता है ना, तो वो इनके अंदर जाके वो जम जाता है, वो वहाँ पे हमारे, मतलब कपड़ा, जूना, ये चीज़ें नहीं जा पाती हैं। तो मैं इसलिए आज इसको ना अच्छे से क्लीन कर रही थी कि इसकी साफ़ सफाई अच्छे से हो जाएगी, तो मेरी गैस भी अच्छे से जलेगी। तो ये आपको दिख रहा होगा, इतना मतलब हार्ड हो चुका है ये जला सा, तो मतलब बड़ी मुश्किल से ये छूट रहा था। बहुत से लोग देखे लाते हैं लिक्विड, बहुत महंगे महंगे लेके आते हैं गैस साफ़ करने के लिए, कुछ स्लेब साफ़ करने के लिए, मतलब ऐसे लिक्विड होते हैं। मगर मैं यहाँ सिंपल अपने वही है, कभी विनेगर सोडा मिक्सअप करा तो मैं उसी से साफ़ कर लेती हूँ। आज तो मैंने सिर्फ सर्फ लिया था, सर्फ और जूने, सर्फ को पानी में घोल के बस मैंने जूने से ही रगड़ा था। मैं किसी लिक्विड, खास लिक्विड का है इस्तेमाल नहीं करती हूँ, या कभी हो जाता है डिश वॉश होती है तो मैं उसी से साफ़ कर लेती हूँ। मगर यह है कि मैं गैस के लिए अलग ही चूना रखती हूँ हमेशा, मैं किसी और चूने का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, चाहे स्लैब हो या ये हो, आगे की टाइल्स हो। तो देखिए, वैसे आपको यहाँ कैमरे में तो मुझे साफ़ ही नज़र आती, मगर नहीं, हल्की हल्की सी छींटें ना यहाँ पे पड़ जाती हैं। मैं रेगुलर बेस पे इसको साफ़ करती रहती हूँ, यहाँ पे गंदी नहीं रहती है, मगर हल्की हल्की चिकनाहट सी रह जाती है।
मैंने अपनी स्लिप को भी थोड़ा सा खिसकाया था, ये मैंने खिसकाया कई बार है, मगर मेरे हस्बैंड ने इसको फिर से इससे दूसरे वाले स्लिप से टच कर देते हैं। तो मैं क्योंकि यहाँ पे ना जब सफाई करती है तो यहाँ पे काफ़ी ना डस्ट इतनी मतलब अट जाती है, मतलब कभी कभी आटे का चोकर वगैरह होता है, आटा पलोथन होती है ना, वो साफ़ करते हैं तो वो अट जाती है यहाँ पे, मतलब इतनी गंदगी हो गई थी। मैंने उनसे कहा भी कि आप इसको टच मत करा करो, बिल्कुल मत मिलाया करो, क्योंकि यहाँ से ना सफाई नहीं हो पाती। फिर मैंने इसको अच्छे से सफाई कर दी थी। अब मैं यहाँ पर जो आप कपड़ा ये देख रहे हैं ना, तो मैं इस कपड़े को इतनी बार धो चुकी हूँ, कितनी बार धो चुकी हूँ, उतनी बार ही ना गंदगी निकल निकल के आ रही है। तो अब चाहे कपड़े में ही इतनी गंदगी निकल के आ रही है, तो आप बताइए साफ लगते हुए भी यहाँ पे कितना गंदा हो रहा होगा ये चीज़। और मुझे फिर से लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है ब्लैक ब्लैक सा कुछ जमा हुआ सा, मैंने फिर से चाकू उठाया और मैं वो उसे साफ़ करने, मेरा ना मन नहीं मानता कि जब तक कि वो अच्छे से क्लीन ना हो जाए और कुछ रह ना जाए उसमें। तो मैंने फिर से वही है, मेरी आदत सी हो गई है, जब तक अच्छे से वो प्रॉपर नहीं हो साफ़ हो जाती तब तक मैं उसका पीछा नहीं छोड़ती हूँ। तो बस अब यहाँ गैस के पीछे का जो हिस्सा रहता है यहाँ पे भी काफ़ी मतलब चिकनाहट सी हो जाती है, मैंने उसे भी साफ़ करा। और ये विंडोज़ तो आप पूछिए मत, ये तो बिल्कुल ना चिकनाई से अट जाती है। इतना साफ़ करने के बाद भी ना मुझे यहाँ पे काफ़ी चिकनाई सी लग रही थी। तो यहाँ पे अब आ जाती है स्लैब की बारी। काउंटर टॉप है ये और टाइल्स हैं, टाइल्स पे रोज़ कपड़ा ही लगता है यहाँ पे, हमेशा मतलब जूना वगैरह नहीं लगा पाती हूँ मैं, तो ये कभी कभी के काम होते हैं जो मैंने अपना कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने स्लिप भी आज अच्छे से ही साफ़ करा था, मैंने यहाँ पे वही सर्फ से ही साफ़ किया था, मैंने कोई और डिश वॉश नहीं दिया था या कोई लिक्विड वगैरह कुछ नहीं बनाया था। तो बस मैं इसको स्लिप पे को ही साफ़ करी थी। वैसे तो ये वाली टाइल साफ़ ही रहती हैं क्योंकि इधर गंदगी या चिकनाहटपन नहीं आती है, ना किसी का हाथ लगता है, तो ये साफ ही थी। जब मैं स्लिप साफ़ करी थी मन में ठान ही लिया था कि करना है तो आज करना ही है। इसके बाद बारी आती है गैस के ऊपर के जितने भी बर्नर वगैरह थे, तो वो चीज़ें मुझे साफ़ करनी थी। तो मैंने ये तो डेली खैर होती ही हैं, साफ़ उतरते ही रहते हैं और साफ़ होती भी रहती है, मगर जो बर्नर होते हैं हम उन्हें डेली साफ़ नहीं करते हैं, इनमें ना कभी कभी इतने से मतलब अट जाती हैं चीज़ें कि वो ना अच्छे से प्रॉपर से जल नहीं पाते, कुछ छेद तो मतलब ऐसे ही रह जाते हैं। तो आज मैंने इनको ना साफ़ अच्छे से किया था, ब्रश लगाया था, जो इनके लिए अलग से एक लोहे का ब्रश आता है, बहुत ही वो इस समय मेरे पास नहीं है, पहले था वो मेरे पास, वो ख़राब हो गया था। तो जो हम टूथपेस्ट वो होते हैं टूथब्रश होते हैं, तो उसी से मैंने इनको साफ़ किया था। तो अंदर का जितना था वैसे तो ये साफ़ सही चल रही थी, फिर भी मैंने उनको अच्छे से साफ़ कर दिया था। देखिए जैसे हम अपनी साफ़ सफाई रखते हैं, हम सोचते हैं अच्छा कपड़ा पहने, साफ़ सुथरा कपड़ा पहने, खुद को भी क्लीन रखते हैं ना, तो यही चीज़ होती है हमें अपने घर को किचन को कुछ भी है तो उसे अच्छे से ही साफ़ सफाई करनी चाहिए। और साफ़ सफाई करने के बाद और साफ़ सफाई से पहले का आप देखेंगे ना तो आपको खुद ही इतना बड़ा अंतर नज़र आएगा कि पहले क्या था और अब क्या हो गया। तो देखिए हमें खुद से ही इतनी खुशी मिलती है ये सब चीज़ें करने के बाद कि हाँ देखिए कि कहते कितना अच्छा मतलब लगती है, नीट एंड क्लीन चीज़ तो हर किसी को अच्छी लगती है और मन भी वहीं लगता है जहाँ साफ़ सफाई होती है। और ये आरओ के नीचे का हिस्सा जो होता है हम मोस्टली इसे साफ़ करना भूल जाते हैं, बाकी आरओ तो साफ़ हो जाता है मगर ये जो नीचे का हिस्सा होता है काफ़ी मतलब गंदा हो जाता है, तो हमें इसे भी हमें रेगुलर बेस पे साफ़ करते रहना चाहिए। तो मैंने जब ये जूना धोया ना उसके बाद इसमें इतना गंदगी निकली, इसको मतलब मुझे बार बार धोना पड़ रहा था। और जो ये टैब है, टैब में भी यहाँ पे हमारा एक कपड़ा ना हमेशा रहता ही है, इस पर टंगा रहता है, तो वो चीज़ जगह ना काली काली सी हो जाती है, तो उसको भी मैंने आज अच्छे से रगड़ के ही साफ़ करा है। और टैब भी आप देखेंगे बिल्कुल नई सी हो गई है, मैंने सिर्फ जूने और सर्फ का ही इस्तेमाल किया है
और यहाँ देखिए माइक्रोवेव, माइक्रोवेव आज हमारा कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था, तो आज माइक्रोवेव का भी मुझे अच्छे से ही इसको अच्छे से साफ़ करना था। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, अगर स्टील की कुछ इसमें चीज़ रख दो ना गर्म करने के लिए हम, क्योंकि इसमें स्टील के बर्तन यूज़ नहीं करने चाहिए हमें, इसमें माइक्रोवेव के अलग ही बर्तन आते हैं तो आप उसको ही यूज़ करिएगा। तो यहाँ पर मैंने सूखे कपड़े से साफ़ करा था, फिर बाद में इसको गीले से अच्छे से साफ़ करा था, फिर से मैंने सूखा कपड़ा इस पर मारा था, फिर सूखे कपड़े से साफ़ करने के बाद मैंने 3-4 बार इसको साफ़ सफाई करी थी। उसके बाद भी आपको यहाँ लाइनिंग लाइनिंग दिख रही होंगी, क्योंकि ये है ना अंदर की तरफ जूना नहीं गया था, मतलब काफ़ी अच्छे से, फिर भी मुझे लग रहा था बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। और मैंने इसकी ये जो प्लेट है कांच की ये भी धोई थी, और देखिए साफ़ सफाई करने के बाद तो ऐसे शीशे सा चमक रहा है किचन कि मुझे खुद ही लग रहा था कि आज तो मेरी मेहनत वसूल हो गई है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। गुड बाय।